नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की लगातार फरमाइश आ रही थी कि हमारे एयर टिकट के पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, हमारा रिफंड नहीं मिल रहा है, एयरलाइंस एक एक साल लगा देता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी साइट बताऊंगा गवर्नमेंट की जहां आपको 15 दिन के अंदर आपका रिफंड मिलेगा। ये ना ओनली आपके लिए काम आएगा एयरलाइंस की टिकट रिफंड में, बल्कि एजुकेशन में, बैंक फ्रॉड में, मिसबिहेवियर में, जिस भी चीज को आप सोचते हैं गवर्नमेंट ने उसके लिए एक सेल बना रखी है और उससे मैं आपको परिचय कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 24,000 प्रति भारती को। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। और आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही हम इसमें वीडियो बनाते हैं काफी रिसर्च करने के बाद। तो आइए आज का जो टॉपिक है हम आपको लेके चलते हैं वहां पे। तो आपको मैं मिलाता हूं, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, और यहां इसको बोलते हैं सीपी ग्राम्स। आप अच्छे से देख लीजिए। अब यहां आप चलेंगे तो कैसे ये काम करता है इसको मैं बताता हूं आपको। देखिए, इसमें जो आप है एक फ्लो चार्ट रहता है। सबसे पहले आप कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, उसका असेसमेंट होगा और उसका रिड्रेशियल, मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने बोला पोस्ट डॉट बैंकिंग इंश्योरेंस स्कूल एजुकेशन एयरलाइंस सबसे रिलेटेड है। कैसे ये काम करता है मैं आपको बताऊंगा, और ये मैं जो चीजें आपको बताता हूँ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बताता हूँ। तो इसमें बहुत ही इजी तरीका रहता है बनाने का। सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना रहता है और उसके बाद में आपकी ग्रीवेंसेस रजिस्टर्ड करना पड़ती है। अब इसमें जब आप आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कल टिकट कैंसिल कराई परसों यहां भेज दिया, ऐसा नहीं। आप सबसे पहले एयरलाइंस की साइट पे जाइए, वहां पर टिकट कैंसिलेशन का नॉर्मल रहता है, मैनेज बुकिंग करके रहता है, वहां कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे अभी हुआ था कोविड में, बहुत सारी एयरलाइंस सडनली बंद हो गई और करोड़ों रुपए उन्होंने पब्लिक का अपने पास रख लिया और उसे वापस नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसको हम रिशेड्यूल करेंगे, जिसका भी कोई अंत नहीं है। ऐसे केसेस में जहां आपको परेशानी हो रही, नॉर्मल, ये नॉर्मल टिकट का रिफंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल चीजों की बात नहीं कर रहा हूं आपको, जो नॉर्मली हो जाती है टिकट रिफंड उसको साइट पे ही जाके करना है। एयर इंडिया के रेंडी की साइट पे जाइए, मैनेज टिकट बुकिंग करिए और वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पैसा काट के पैसा मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या रहता है, साइटें बंद कर देते हैं, सर्वर डाउन कर देते हैं, आपको ऑप्शन नहीं देते हैं एयर टिकट कैंसिल करने का, क्योंकि वो जो पैसा रहता है आपके अपने पैसे नहीं रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका करोड़ों रुपए उसमें डूबा रहता है, जिसको वो आखिर तक इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आता हूं लॉग इन करने के लिए, काफी देर हो गया था तो ठीक है। मेरा ऑलरेडी यहाँ है 9 7 8 9 7 8 9 6 7। तो ये अपन यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको लॉग इन करना है। तो मैंने बना रखा था अपना लॉगिन आईडी, जब आप इसको लॉगिन करते हैं तो नेट से तो आपको ऐसा आ, देखिए मेरी एक ग्रीवेंसेस थी और एक ही रिजॉल्व हो गई। ग्रीवेंसेस कब थी, 10/9 को थी, और कब हुई तो वो हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको चलो स्टेटस ही बता देता हूं। व्यू स्टेटस मेरे केस में क्या हुआ था, देखिए मैं 4 महीने से एयरलाइन से परेशान था, फॉलो अप कर रहा था, लेकिन उसका कोई सलूशन नहीं मिला था। और वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि आप, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये आज ऊपर डेट भी देख लीजिए आप, 15 तारीख की डेट है। तो यहाँ ये रेफरेंस है गवर्नमेंट का, जब आपको करते हैं रेफरेंस देते हैं तो ये 15 तारीख की डेट देख लीजिए जहां पे आ गया है मेरा कि आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, जो 7 से 10 दिन के उसमें आपके उसमें पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज को यदि हमें यहाँ करना है तो कुछ नहीं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे, वहां से मैंने उठा दिया डिटेल, और ये सिक्योरिटी कोड रहता है 511467। तो यहाँ जाके आपको स्टेटस अपना पता चल जाएगा क्या है, कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने 10 तारीख को किया था और 15 तारीख को 5 दिन में कैसे चीजें रिजॉल्व होगी। अब देखिए आप यहाँ पे 10/9 का मैंने आपको बोला है, चूंकि एयरलाइन से रिलेटेड था इसलिए मैंने सिविल एविएशन उसमें से चूज किया, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे चूज करना है, आप बने रहें।
और ये टिकट था 20/4 का जो कैंसिल हुआ था फ्लाइट बंद होने के कारण। तो मैंने उनमें वही चीज़ लिखा कि एयरलाइंस से बोल रहा है, लेकिन एयरलाइंस कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा और बोला रीशेड्यूलिंग करेंगे, इतने दिन हो गए। तो देखिए डेट ऑफ एक्टिवेशन 15/9 और ये केस क्लोज। तो रिफंड ऑफ INR 2007 हैज बीन प्रोसेस टू द क्रेडिट। ये गवर्नमेंट के पास से आपके पास डिटेल आ जाता है, ये लिखते हैं। उसके बाद मैंने इनको फीडबैक भी लिखा, एक्सीलेंट। तो ये चीज है, लेकिन ये चीज करने के पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इधर देखिए, इधर चलेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ आप ग्रीवेंसेस में गए। आप किसी से भी रिलेटेड ग्रीवेंसेस है, जरूरी नहीं है कि आपकी एयरलाइंस है, आपकी कोई अलग भी हो सकती है। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यही जैसा मैंने बताया था, पूछते हैं आपसे कि आपकी RTI और ये सब नहीं होना चाहिए। जब इसको आप सबमिट करेंगे ग्रीवेंसेस में तो आपको ऑप्शन देंगे, उस आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको यहाँ पे वो चीज चूज कर। आप देख लीजिए डॉट्स, हेल्थ फैमिली से रिलेटेड, टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल, ट्रांसपोर्ट, हायर एजुकेशन, सिविल एशियन, लेबर, सो मेनी थिंग्स, एक्सटर्नल अफेयर। आप इसमें सब चीजें कर सकते हैं। बैंक में आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में मिसबिहेव किया है किसी ने आपके साथ, सिविल एविएशन, जैसे मैंने टिकट का भी, आपके बहुत से पैसे फंसे हैं, मैं एयरलाइंस का नाम नहीं लूंगा, आपको पता है बहुत से फंसे हुए हैं। तो आप उसको जाने के लिए आप कुछ नहीं करिए, आप सिविल एविएशन पे क्लिक करिए। जब आप सिविल एविएशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा सेलेक्ट मेन कैटेगरी। तो आप इस कैटेगरी में कहाँ फॉल करते हैं आप देख लीजिए, एयरलाइंस रिलेटेड है, एम्प्लॉय रिलेटेड है, क्या से क्या जरूरी है आपको, आप उस हिसाब से। रेलवे है, सेफ्टी है, पैसेंजर इशू है, एयरपोर्ट रिलेटेड इशू है, टैरिफ है, पैसेंजर हरासमेंट है, जिससे भी रिलेटेड मैटर है आप यहाँ उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और कुछ नहीं करके अभी हम चलो, एयरलाइंस रिलेटेड है तो हमने यहाँ से एयरलाइंस रिलेटेड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से लेवल ऑफ कौन सा है, चलो फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया ले लिया। अब जब आपने ये चूज कर लिया है तो यहाँ पे सेलेक्ट नेक्स्ट कैटेगरी में जब जाएंगे आप, तो आपको दिखेगा क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, फ्लाइट कैंसिलेशन का है, ऑनलाइन बुकिंग का है, एयर इंडिया सेल सेंटर किससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी समस्या है। मैं मिसबिहेव किया है, आपको मेडिकल की प्रॉब्लम आई, आपको एयरपोर्ट में बोर्ड नहीं होने दिया है, जो भी है आप इससे। अब यहाँ पे अपना रिफंड के लिए तो ऑनलाइन बुकिंग में आप चले जाएंगे, ऑनलाइन बुकिंग से रिलेटेड है, तो इससे कंसर्न डिपार्टमेंट में पहुंचेगा ये और आपकी चीज जल्दी होगा। अब ये हो गया, अब इसमें फिर ये पूछ रहा है, भैया एजेंट से बुकिंग करा, एक एयर इंडिया की, चलो एयर इंडिया की बुकिंग से हमने करा था और रिफंड से रिलेटेड है। जब आपने ये कर दिया, देखो थोड़ा 5 मिनट की प्रोसेस है लेकिन आपका काम बहुत फास्ट होगा। जब आपने ये प्रोसेस कर दिया इसको, अब यहाँ पर टिकट आपको डालना है, आपको टिकट डिटेल डालना है, फ्लाइट नंबर डालना है, डेट डाल देना है और सेक्टर जहाँ से आपने बुक किया, मस्कत से, भोपाल से, जहाँ से बुक किया हुआ है। और इसको नीचे जब आप जाएंगे तो इसमें इसमें बारे में छोटा सा लिख देने का, ठीक है। और आपकी जो टिकट है उसको यहाँ से अटैच कर देना, या उनके साथ कोई कम्युनिकेशन उसको यहाँ से अटैच कर देना और सबमिट कर देना। द मोमेंट यू सबमिट आपके पास गवर्नमेंट से मेल आ जाएगा कि आपका ये एक्नॉलेजमेंट हो गया। और कैसे होगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने फास्ट तरीके से काम हुआ है। ये रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था और ये रेफरेंस नंबर नोडल ऑफिसर को जाता है और नोडल ऑफिसर का जो एयरलाइंस का, तुरंत उसका जवाब आ गया, आपकी ये PNR थी और आपका इतना पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया है। तो आपने ऐसे मिराकल्स देखे नहीं होंगे कि गवर्नमेंट में इतने जल्दी तेजी से काम होता है। तो ये मेरी डेट है 15 तारीख को, 10 को मैंने इवनिंग में किया था, उसमें छुट्टियां बीच में आती हैं। और ये मैंने डॉक्यूमेंट लगाया था, टिकट अटैच की थी। बाद में जब ये हो गया तो मैंने इनको फीडबैक भी दिया कि बहुत अच्छा आपने काम किया है। देखिए थैंक्स लॉट, लास्ट ईयर दे टुक 1.5 ईयर्स। सेम केस हुआ था मेरी बेटी के साथ, बड़ी बेटी के साथ, तब 1 साल 1.5 साल से लग गया था, लेकिन यहाँ देखिए कितना फास्ट हो गया। और यहाँ पूरा डिटेल आ जाता है कौन सा नोडल ऑफिसर है क्या नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी साइट है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस साइट पे, आपकी समस्या है, गवर्नमेंट की साइट है, मेरे को नहीं लगता इससे बढ़िया काम कोई कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, रीशेड्यूल का वेट मत करिए, अपने पैसे वापस लीजिए और अपने हिसाब से एयरलाइंस बुक कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आया होगा, चीज़ें अच्छे से समझाने में वीडियो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो आगे करके नहीं देखें इसे, जब भी टाइम हो तब देखें। और
जुड़े रहें, बने रहें और मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।